नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा विष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने सिकंजा कस लिया है। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बीते गुरुवार को लेडी डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात की। इसके बाद ही सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं बुधवार की रात हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ मामले को लेकर 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल एसोसिएशन ने लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को देखते हुए शनिवार को पूरे देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। जया बच्चन अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्होंने जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा। सलमान खान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने तरीके से उनको जवाब दिया। दरअसल हाल ही में डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जहां अंत में एक वीडियो दिखाया गया जिसमें जया सलीम और जावेद को बदतमीज और बिगड़ैल कहती दिखी। इस पर भाईजान का रिएक्शन निकलना जायज था। उन्होंने भी बिना नाम लिए नाराजगी जाहिर की। सलमान ने कहा कि जो एक्टर्स उनके पिता के साथ काम नहीं कर पाए, उन्होंने उन्हें बिगड़ैल और बदतमीज का टैग देना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि सलीम पागल है। सलमान ने कहा कि ऐसा कहने वाले लोग पागल थे। सलमान ने कहा कि जिस भी कारण से लोग उनके पिता के साथ काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास डेट्स नहीं थी, उन्हें प्लॉट पसंद नहीं आया या उन्हें उनका चेहरा और करेक्टर पसंद नहीं आया, जो भी कारण था, लेकिन उन लोगों ने उनके पिता को ये कहना शुरू कर दिया कि उनका दिमाग खराब था, लेकिन दिमाग ऐसा कहने वालों का खराब था। गोवा के मंत्री एलेक्सो सिकेरा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हंगामा मच गया। एलेक्सो सिकेरा ने नशीले पदार्थ बेचने वालों की पहचान करने में आम जनता से मदद मांगते हुए कहा कि नशीले पदार्थ हर जगह उपलब्ध हैं। सनबर्न फेस्टिवल इस साल दक्षिण गोवा में आयोजित किया जा सकता है। इसकी आलोचना होती है कि यह महोत्सव ड्रग संस्कृति को बढ़ावा देता है। वहीं मंत्री के बयान को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्लिप ऑफ द टंग बताया। इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर बड़ी छलांग लगाई है। शुक्रवार सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-3D रॉकेट लॉन्च किया गया। यह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। SSLV की तीसरी और आखिरी फ्लाइट SSLV-3D EOS-08 रॉकेट अपने साथ एक सैटेलाइट लेकर जा रहा है, जो धरती की निगरानी के लिए बना है। इस सैटेलाइट पर 3 पेलोड्स लगे हैं। ये सैटेलाइट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज शुक्रवार को ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ हरियाणा चुनाव का ऐलान संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग दोपहर 3 तक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उसी में चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है। समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी, उसी बीच चुनाव कराने थे। इसी वजह से चुनाव आयोग भी लगातार घाटी का दौरा कर रहा था। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ताइवान में शुक्रवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। मौसम विभाग के मुताबिक ताइवान के पूर्वी शहर हुलियन में 34 किलोमीटर दूर भूकंप आया। भूकंप से नुकसान की फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में ताइवान में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। 15 अगस्त को पूर्वोत्तर ताइवान में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के झटके से ताइपे में इमारतें हिल गई। दिल्ली NCR के इलाकों में पिछले कई दिनों से लगभग हर रोज बारिश हो रही है। बारिश होने से दिल्ली में खुशनुमा मौसम है। दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिल रही है। हालांकि बीते 15 अगस्त को कुछ जगहों को छोड़ दें तो लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली के इलाकों में आज यानी 16 अगस्त को बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इस सप्ताह के अंतिम दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।